फाइंड फैक्टर, फैक्टर के इसके ये किस किस फैक्टर्स में, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है सर। 36 के हमने बनाने हैं। इसका सबसे आसान भी होता है कि आप यहाँ पे लिखना है कि 36 किस किस में आता है। जैसे 1 टाइम्स 36 इक्वल्स टू 36 होता है, ठीक है। उसके बाद 2 में चेक करें, 2 में आता है 2 टाइम्स बाय विच नंबर इज 2 टाइम्स बाय। जैसे आपको अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे 36 को चेक कर सकते हैं। 2 यहाँ लिखें और उसको डिवाइड करें, ठीक है। 2 वन द 2 और जगह 1 16, 2 टाइम 80 16। इसका मतलब है 2 जो है वो 18 के साथ आता है, यानी कि 2 टाइम 80 इक्वल्स टू 36। अब 3 है, अब 3 में अगर चेक करना है तो सेम आपने करना है, 3 इधर लिखते हैं और 36 इधर। 3 वन द 3 और 3 टाइम्स 2 इज 36। इसका मतलब है 3 टाइम्स 12 इक्वल्स टू 36। अब 4 से चेक करेंगे, 4 ईजी है, सो 4 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 36 होता है। उसके बाद 5 में चेक करेंगे, 5 नहीं आता 36 में। आगे 6 में देखें, यस आता है, 6 टाइम्स 6 इक्वल्स टू 36। तो ये आपका फिनिश हो जाता है। अब कैसे पता चलता है ये फिनिश है? अगर तो नंबर रिपीट हो जाता है, जैसे 6 से देखें 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सारे इसके फैक्टर इसके आगे नहीं होगा। अदरवाइज़ ये 9 तक हम चेक करते हैं, 9 या 10 तक भी देखें ना तो बस उसके बाद नहीं करते। अब आपने इसको ऐसे करके एरो लगा देना, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है ऐसे। अब इसका मतलब ये है कि पहले आपने ये सारे नंबर्स लिखने कि ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। जैसे 1 और 9 वाइज करने हैं, 1 2 3 फिर 4 6 और फिर 2 बार 6 है तो इसको एक ही दफ़ा लिखना है, आप 2 बार नहीं लिखना है इसको। फिर ये ख़त्म करेंगे और बाकी ऊपर, अब फिर उसके बाद ऊपर लेके जाएंगे 9 12 18 और लास्ट हमारे पास आ जाएगा 36। और ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं 36 के। तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है।